नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आज विधानसभा सत्र में खूब हंगामा देखने को मिला। वहीं विपक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या यह खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर ताज़ा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल विधानसभा सत्र आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा पहले नहीं करवाने पर विपक्ष ने की नारेबाजी, हुआ हंगामा। हिमाचल विधानसभा सदन में विपक्ष ने आज भोजनावकाश के बाद सदन में नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस बात पर अड़ा रहा कि नियम 130 में सरकारी नौकरियां नहीं दे पाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने पर चर्चा पहले करवाई जाए। सरकार ने इससे पहले अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच पर चर्चा को पहले लाया है। इसे न करवाकर आउटसोर्स कर्मचारियों वाली चर्चाओं को पहले किया जाए। वहीं इस पर दोनों पक्षों की लंबी नोक झोंक के बाद दोनों विषयों को क्लब कर चर्चा की गई। व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल निवेदन किया गया था कि महत्वपूर्ण विषय है, यह विषय आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। जब कहा गया कि बेरोजगारों से संबंधित विषय पर नियम 67 को रद्द करते हैं, ईमानदारी से पालन किया गया। कहा जो प्रस्ताव सतपाल सत्ती और सुखराम चौधरी ने दिया, उसे पहले सदन में लाया जाए। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड पर चार बार चर्चा कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर चर्चा के लिए सत्र को बढ़ाना पड़े तो इसे बढ़ा दिया जाएगा। कहा सदन में क्या कब लगाना है, यह डिक्टेट करना सही नहीं है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, दोनों की मंशा एक है, दोनों मुद्दों को क्लब किया जा सकता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी कहा कि दोनों को क्लब कर दिया जाए। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि स्पीकर सबके संरक्षक है, बेरोजगारी पर जानबूझकर हमीरपुर के चयन आयोग पर चर्चा की जा चुकी है, जानबूझकर विषय में देरी की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से ये है बड़ी खबर कि हिमाचल विधानसभा सत्र में आज आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा पहले नहीं करवाने पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, वहीं हंगामा भी हुआ इस दौरान। तो अभी के लिए ये है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।